नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा, उत्तर प्रदेश की पत्रकार। आज के सच्चे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सच के रास्ते पर चलने वाली एक ईमानदार पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालयों की नींद उड़ा दी। कैसे एक पत्रकार सुधीर चौधरी की डिजाइनर पत्रकारिता मेरी आवाज दबाने में एक्सपोज हो गई। सुधीर जी, वीडियो आपको पूरा देखना है, देखिएगा। सुनिए सर, आपको लोग तिहाड़ी बोलते थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन पेशे में सीनियर होने के नाते मैं आपकी बड़ी इज्जत करती थी। लेकिन जब मैंने आपका ट्रोलर वाला चेहरा देखा ना, तो मुझे यकीन हो गया कि गुरु दुनिया सही थी। चलिए इस सच्चे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो देश विदेश में बैठे मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन आप सबको जरूर देखना है, क्योंकि आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि भारत में क्या चल रहा है। मेरा परिचय यह है कि मैं पब्लिक रिपोर्टर हूं, हिंदुस्तान की पहली महिला रिपोर्टर जिसने हर मुद्दे पर आम लोगों के मुंह तक माइक पहुंचाया। दो दिन पहले लखनऊ में मैं शूट कर रही थी। मुद्दा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आम लोगों को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आम लोगों में क्या असर पड़ रहा है, जो लोग इस यात्रा को दूर से देख रहे हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए मैं लखनऊ में नाके पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आम लोगों की राय जानेंगे और देखेंगे कि उसका कोई असर पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति मुझे मिला जिसने कहा कि मैं अखिलेश यादव का भक्त हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, किसी नेता के भक्त कभी मत बनो, काम को देखो, समझो, फिर पसंद करो। चमचा जब अपने स्तर से ऊपर उठ जाता है तब वो भक्त बन जाता है। चमचे से मेरा स्तर नेता के चमचा से है। खैर, मेरा ये कहना था, नेता के भक्त मत बनो, ये मैं कह रही थी। अगर भक्त बनना ही है, अरे भगवान के बनो जिसने हमें रचा है। फिर इसके आगे एक और व्यक्ति से बात हुई, संभवतः वो बीजेपी के सपोर्टर थे, इसीलिए भक्त वाली बात को उन्होंने चुड़न के हिसाब से ले लिया। अब इस वीडियो के एक हिस्से को काटकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता जी ने मुझे ट्रोल करते हुए ट्विटर पर डाला, जबकि मेरा ये सवाल ही नहीं था कि आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं। अरे वो तो मुझे पता है, मेरा सवाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के था, क्योंकि मैंने ये यात्रा कवर की है और मैं ये देखना चाहती थी कि राहुल गांधी की यात्रा का आम लोगों में कोई असर है भी या ये कोई फ्लॉप शो साबित होगा, जिसका जवाब देने के बजाय कुछ बीजेपी सपोर्टर मुझे घेर कर मुझ पर विजय प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और क्यों होगी भैया, वो पीएम मतलब प्रधानमंत्री, मैं पीएम मतलब प्रज्ञा मिश्रा, उनके पास पूरे देश की बड़ी जिम्मेदारी है भैया, मैं तो छोटे से शहर लखनऊ की रहने वाली हूँ। समझ रहे हैं आप, सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी मेरे सच से दिल्ली तक की दीवारें हिल रही हैं दोस्तों। देखिए, आप लोगों की प्यार की वजह से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाली एक पत्रकार के सच से सूचना प्रसारण मंत्रालय घबराता है। सच में बहुत ताकत होती है दोस्तों। वैसे तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने पावरफुल लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन ये दुख की बात भी है कि भारत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय देश में झूठ फैलाने की दुकान बन गया है। इसमें झूठ और क्या क्या है, डिटेल में आगे बताऊंगी। अब एक दूसरे आदमी, देश के नंबर वन चैनल के एंकर सुधीर चौधरी जी की इसमें एंट्री हुई, कैसे वो भी आज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी जो हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने का दावा करते हैं, उनका ज्ञान कितना सही है, वो बिना सोचे समझे, बिना तथ्य जांचे आपको खबरें आलू प्याज के भाव से परोसते हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। जो झूठा वीडियो मोदी जी के मंत्रालय के सूचना सलाहकार फैला रहे हैं वो सुधीर चौधरी को बहुत पसंद आया और वो उसे लाइक करते हैं। मैं सुधीर चौधरी को बहुत पसंद करती थी, मतलब उनका स्टाइल मुझे बहुत प्रभावित करता था, लेकिन जब से सुधीर चौधरी को मैंने झूठ को लाइक करते हुए देखा है ना, तब से वो मुझे बीजेपी आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूर से ज्यादा और कुछ नहीं लगते। पत्रकार की शक्ल में ऐसे बीजेपी के मजदूर दीमक की तरह सरकार की तराजू का बट्टा बनकर देश को बाय गॉड खोखला कर रहे हैं। सुधीर चौधरी को यह वीडियो पसंद आया था, इस हिसाब से अब मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी भी सच को दबाने वाली एक नफरती गैंग का हिस्सा ही मात्र है। सुधीर चौधरी जी, मेरा ये वीडियो आप जरूर देखिएगा,
और पूरा देखिएगा और सोचिएगा कि आपकी उम्र भले बढ़ गई है, आप मुझसे चौगुनी उम्र में बड़े हो, लेकिन समझ अब तक आपकी विकसित नहीं हो पाई है। आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन सच्ची पत्रकारिता कैसे करनी है इसके लिए आपको मुझसे क्लासेस लेनी चाहिए। मैं अब तक आपकी बहुत इज्जत करती थी, मैं लाइव इंडिया के ज़माने से आपको पसंद करती थी, देखती थी, सीखने की कोशिश करती थी, लेकिन अब जब लड़ाई सच और झूठ की है तो मेरी नज़र में आप ट्रोलर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपके चैनल में मेरी उम्र की इंटर्न होगी सर, हाँ, लेकिन आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये बताता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ और सच की मशाल लेकर झूठ के रास्ते में चट्टान की तरह खड़ी हूँ। अपनी बात रखने से आप लोग पीछे क्यों हटते हैं? हमें नहीं बोलना ही नहीं आता, हमें बोलना ही नहीं आता। तो अभी क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव का फैन है बस। अच्छा, अखिलेश यादव बस। तो भक्त है आप फिर? तो हम तो भक्त है काम को पसंद करिए, भक्त ना बनिए, भक्त बनेंगे तो नुकसान होगा। हम भक्त ही बनेंगे हम। अच्छा। और कुछ नहीं, राहुल अखिलेश यादव नुकसान करेंगे अपना भी और देश का भी। होने दीजिए, किसी नेता के भक्त नहीं बनिए। सुनिए, भक्त ना बने, नेताओं को उनके काम से याद करें, नेताओं को उनके काम से जाने। अखिलेश यादव भक्त बनकर क्या फायदा? हमको कोई फायदा। राहुल गांधी इज द बेस्ट सेंट्रल के लिए। अच्छा, क्योंकि भक्त है, भक्त को कौन सुनता है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आप तो चलिए चलिए, आप यहाँ से काट के छोड़ दोगे। सरकार डिफरेंशिएट नहीं करता भक्त और चमचों में। आपके वक्त में था भी कि आपने ये कहा था ना, भक्त मत बनो, भक्त मत बनो। आप अपनी जगह फेतुल से हमारा स्तंभ है भैया। रुकिए, आप चौथा स्तंभ है। सही बात है, सही बात। आप ये चीज ना कहिए, अगर मेरा वर्जन चाहिए तो मेरे भी को आता है। मैं नहीं कहूँगा कि गुलामी गलत भक्ति होती है। भक्ति में प्यार होता है। मेरी बात सुनिए, गुलामी तो हम जब जवाब एक बात का जवाब दीजिए मेरी। नहीं नहीं, अभी आप ने कहा उसको भी सुन लीजिए। मैंने कहा किसी भी नेता का भक्त मत बनो, मैंने कहा भक्त दोनों तरफ है। तो भक्त क्या, तो भक्त, भक्त ना बने, इतना दूषित है। नेता के भक्त ना बने, भगवान के मत बनिए। नेता के भक्त ना बनिए, चमचे मत बनिए। मैं किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकता हूँ, चमचे मत बनिए। नेवर बी अ चमचा, तू बी अ मुलायम, भक्त बनो। मैं आपकी भक्ति कर सकता हूँ। अच्छा, चमचागिरी करे आदमी है, चौथे बारे में करे। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं प्रज्ञा मिश्रा सरकार की कमियां बताती हूँ, फिर कमियों को दूर कराने की कोशिश भी करती हूँ। यूपी की बीजेपी सरकार चाहे जैसी भी हो, लेकिन लोगों के लिए मैं मदद मांगती हूँ तो मदद मिलती है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ करूंगी और कई बार किया भी है। दोस्तों, एक बात और है कि देश की गोदी मीडिया में किसी एंकर ने टीवी पर क्या बोला, किस एंकर ने कितने नफरती शो बनाए, किस एंकर ने अपने शो के प्रोग्राम का नाम क्या रखा, मैं उस पर टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करती। अरे, मैं सरकार से सवाल करती हूँ, ना कि गोदी मीडिया से। मैंने पत्रकारिता गोदी मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, मैं गोदी मीडिया के वर्क कल्चर को बड़े अच्छे से जानती हूँ। वहाँ वही चलता है जो सरकार की गोद में बैठा मालिक चाहता है। पत्रकारों के हाथ में तो सिर्फ टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी है, परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है। इससे पत्रकारों के घर चलते हैं। गोदी मीडिया मेरे लिए वो है जिसका मालिक सरकार की गोद में बैठा है। भारत की गोदी मीडिया में मेरे सोर्स इतने हैं कि किसी चैनल की मीटिंग में क्या बात हुई, क्या लाइन तय हुई, इस पर भी मैं रोज प्रोग्राम बना सकती हूँ। लेकिन गोदी मीडिया में काम करने वाले एंकरों को ट्रोल करना मेरा काम नहीं है। मैं भी एक समय में टीवी मीडिया में काम करके आई हूँ। टीवी मीडिया से इस्तीफा देते वक्त मैं भी जाती तो टीवी मीडिया के लोगों को गरिया सकती थी।
लेकिन जिस डाल से बंदर गुलाटी मारना सीखता है उसे गाली थोड़ी ना देता है। मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, वहाँ के दोस्तों का स्वभाव मैं बड़े करीब से जानती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे जानने वाले बहुत बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनसे मेरे घरेलू संबंध है। और बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो टीवी पर जैसे दिखते हैं असल में वो वैसे नहीं है। गोदी मीडिया में तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनको मैं ट्विटर पर फॉलो करती हूँ और जिनसे मैं काम सीखती हूँ। भाई तो मैं किसी संस्थान में काम करने वाले साथियों को गरियाऊं, इसके लिए मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। लेकिन सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर दिखा दिया कि वो कितने बड़े पत्रकार हैं और उनकी विचारधारा ट्रोलरों से कितनी मैच खाती है। और एक बात है, मैं सरकार से सवाल करती हूँ, विपक्ष की आवाज को बुलंद करती हूँ, क्योंकि पत्रकारिता के आदर्श माखनलाल चतुर्वेदी ने यही सिखाया है कि सत्ता से सवाल कीजिए, सत्ता के भोंपू मत बनिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं सरकार से सवाल करती हूँ तो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी होगी। जी नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि जो सत्ता में होगा सवाल तो उसी से करेंगे, सवाल विपक्ष से तो करेंगे नहीं। असल बात ये है कि सुधीर चौधरी नंबर वन चैनल के एंकर होकर उनको मेरे झूठे वीडियो लाइक करने पड़ रहे हैं। भैया भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय को मेरे झूठे एडिटेड वीडियो फैलाने पड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए से खड़ा किया गया आईटी सेल मुझे ट्रोल कर रहा है। ये सब मुमकिन किया है आपके प्यार ने दोस्तों और आपके सपोर्ट ने। आपने मुझे सत्ता पोषित सुधीर चौधरी जैसे लोगों के बराबर सच की मशाल लेकर खड़ा कर दिया है। इतने बड़े बड़े लोगों को मेरे खिलाफ साजिशें रचनी पड़ रही हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच। लोग मुझसे कहते हैं कि प्रज्ञा सरकार से उलझना खेल नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं सरकार से लड़कर सड़क का कोई टेंडर थोड़ी ना मांग रही हूँ, ठेका थोड़ी मांग रही हूँ। सरकार तक सच पहुँचा रही हूँ, लोगों की बात पहुँचा रही हूँ, लोगों को सही के लिए समझा रही हूँ कि भक्त नेता के मत बनो, भक्ति करनी है भगवान की करो, नेता से सवाल करो। अब इसमें क्या गलत है? दोस्तों आपने मुझ पर जो भरोसा किया है वो कभी ना टूटे, इसलिए ना तो मैंने सरकारी घर लिया, ना तो मैंने कभी सरकारी गनर लिया और ना तो मैंने कभी सरकारी ऐड लिया। मैं सरकार से सिर्फ एक चीज मांगती हूँ और वो है दूसरों के लिए मदद। 100% ईमानदार हूँ, देश के लिए वफादार हूँ, इसीलिए भारत सरकार तक के लिए बहुत छोटी होते हुए भी बहुत बड़ी पत्रकार हूँ। दोस्तों ये सब आप लोगों के प्यार और आप लोगों की मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं था। मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, आप ईमानदारी से प्रज्ञा मिश्रा का और साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज फॉलो करना मत भूलिए और ट्विटर पर @प्रज्ञालाइव नाम से खोज कर मेरे साथ जुड़ जाइए। जब तक जिंदा हूँ तब तक सच के लिए लड़ती रहूंगी। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।